इंदौर के निपानिया क्षेत्र में बनी बहुमंजिला तुलसियाना बिल्डिंग के अवैध निर्माण तोड़ने आज नगर निगम का अमला पहुंचा। बड़ी संख्या में पुलिस बल, नगर निगम कर्मचारी, जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। प्रारंभ में इस भवन के रहवासियों ने निगम की कार्यवाही का विरोध किया। रहवासियों ने निगम की कार्यवाही के विरोध में पथराव भी किया। इस विरोध के बावजूद भी निगम अमले ने कार्यवाही जारी रखी। 45 फ्लैट वाली इस 6 मंजिला भवन में वर्तमान में 5 परिवार रह रहे थे। बिल्डर सुनील भाटिया ने निपानिया पंचायत से 2010 में स्वीकृत नक्शे के आधार पर निर्माण किया था। नगर निगम के अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया कि उक्त क्षेत्र 2014 में नगर निगम सीमा में शामिल हो चुका है, फिर भी बिल्डर बिना नक्शे के यहाँ पर निर्माण कर रहा था। आज की कार्यवाही को लेकर नगर निगम भी कटघरे में है, क्योंकि इस बिल्डिंग का निर्माण पिछले 1 वर्ष से चल रहा था, तब निगम ने इस पर रोक क्यों नहीं लगवाई। यहाँ एक अवैध बिल्डिंग को तोड़ने का काम चल रहा है। ये आप लोग जो मेरे पीछे अवैध बिल्डिंग यहाँ से कैमरे में दिख रही होगी, ये टावर अवैध बना हुआ है और इसको जो भी कानूनी प्रक्रिया अपना के नगर निगम उसको तोड़ रहा है। सर, कुछ विवाद क्यों हुआ था? हाँ भी, कुछ लोगों ने, जो लोकल रहवासी हैं, उन्होंने छोटा मोटा विवाद किया। कुछ लोगों ने पथराव कर दिया था, उसमें एक दो लोग घायल हुए हैं, एक पत्रकार हैं और एक नगर निगम कर्मचारी हैं, और पुलिस बल ने उनको पीछे कर दिया है और अब पुनः कार्रवाई चालू हो गई। सर, अब वो देखिए स्वाभाविक है, जब भी कोई रिमूवल होता है तो उसका तरह तरह से विरोध होता है। इसका भी विरोध हो रहा है, बहुत सारे लोग आए सुबह से, प्रयास किया कि रुक जाए, लेकिन वो रुका नहीं गया है और वो निरंतर कार्रवाई चल रही है। हाँ, तुलसी सिलावट जी भी आए थे, उनको हमने समझा दिया है, वो उच्च अधिकारियों से बात करने गए। नहीं, इसमें असल में क्या है, ये पहले ग्राम पंचायत में था ये इलाका, और 1 साल से इस पर कार्रवाई चल रही है, लगातार उसको नोटिस दिए जा रहे थे, बिल्डर ध्यान ही नहीं दे रहा था। कल अंत में बिल्डर हमको पकड़ में आया जब वो अपने फर्जी दस्तावेज दिखा रहा था। और किसी भी रिमूवल को इतना आसान नहीं कह देना कि आप रोक दो या तोड़ दो, क्योंकि वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया, उसका पालन करना होता है। बिल्डर पे भी